हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के सेकंड पोएम के बारे में, सेकंड पोएम के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। और सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है, अर्थात मलिन बस्ती की पाठशाला में एक कक्षा। ठीक है, स्लम, स्लम मतलब होता है मलिन बस्ती। और इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। तो जो आपकी किताब में, बुक में, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में बात करना है। ठीक, तो पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का, थिंक इट आउट करके दिया है, पहला सेक्शन है। और पहला क्वेश्चन है इसमें, टेक द आइटम व्हिच बेस्ट आंसर्स द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपकी बुक में चार ऑप्शन दिए होंगे, एक एक क्वेश्चन के तीन ऑप्शन हैं। ठीक है, चार ऑप्शन नहीं है, तो उसमें कौन सा, तीनों में से कौन सा सही होगा, इसी का जवाब चुनना है आपको। तो लिखा है द टॉल गर्ल्स विथ हर हेड वेट डाउन मीन्स द गर्ल, यानी लंबी लड़की ने अपने भारी सिर को लटकाए हुए थे। लंबी लड़की अपने भारी सिर को लटकाए हुए है, इसका अर्थ क्या है, यानी लड़की क्या है। तो लड़की इज इल एंड एग्जॉस्टेड, गर्ल यानी लड़की बीमार है व थकी हुई है। इज इल एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब होता है थका होना। ठीक है, फिर अगला है द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेट्स आइज मीन्स। ठीक है, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेट्स आइज मीन्स द बॉय इज, तो बी का है, यानी लड़का जो कागज़ की तरह दुबला पतला है और जिसकी आँखें चूहे जैसी हैं का अर्थ है, यानी लड़का है क्या, थिन हंगरी एंड वीक, वह कमज़ोर है, पतला है और भूखा है, यानी उसे समुचित भोजन नहीं मिल पाता है। फिर सी है द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय, द स्टंटेड अनलकी एयर, एयर मतलब होता है उत्तराधिकार, या जो क्या बोलते हैं, पिता से विरासत में या पूर्वजों से विरासत में मिली हुई चीज़ होती है उसी को कहा जाता है। तो द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, यानी मुड़ी हुई हड्डियों वाला अविकसित व अभागे से तात्पर्य है। तो द बॉय इज़, यानी लड़का क्या है, द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसएबिलिटी, यानी लड़के को जो है अक्षमता विरासत में मिली। ठीक है, एयर के रूप में मिली, यानी विरासत में मिली, इनहेरिटेड मतलब विरासत। डी है हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में सपने हैं। ए स्क्वरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स, ठीक है, वह किसी अन्य पेड़ वाले कमरे में गिलहरी के खेल के बारे में सपना देखता है, यानी वह जो है सपना देखता है कि वह एक पेड़ पर बैठा हुआ है और जो है गिलहरी के खेल, यानी गिलहरी कैसे खेल खेलती है, उसके बारे में सपना देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, द बॉय इज़, लड़का है, यानी लड़का क्या है, फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, आंसर है इसका भविष्य के प्रति जो है आशावान है, यानी उसको जो है भविष्य में उसकी अच्छे दिनों की आशा है, यानी उसके लिए अच्छे दिनों की आशा है। ठीक, अगला है द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स दिस मीन्स दे, ठीक है, तो ये क्या है, द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स, बच्चों के चेहरे बिना जड़ वाली जंगली घास फूस के समान है, यानी तुलना की गई, तो इसका मतलब है दे आर, ठीक है, वे हैं, आर इनसिक्योर, यानी वे जो है असुरक्षित हैं, क्या हैं, असुरक्षित हैं, यानी वो पूरी तरह से समाज में असुरक्षित हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन। और फिर हमारा अगला प्रश्न है दूसरा वाला, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ शोर क्रीम, आपके विचार से शोर क्रीम कौन सा रंग है। वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, ठीक है, और कवि ने
कक्षा के कमरे की दीवारों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का क्यों प्रयोग किया है, शोर क्रीम का? तो द कलर ऑफ शोर क्रीम इज़ पेल येलोइश, ठीक है। शोर क्रीम का रंग जो है हल्का पीला होता है। द पोएट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन, कवि ने इस कथन या इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है क्योंकि, ठीक है, वह टू सजेस्ट द डिकेइंग एस्पेक्ट, यानी उसने जो है पतन की ओर बढ़ने वाले, यानी पतन की ओर उन्मुक्त, ठीक है, पतन की ओर उन्मुक्त या पतन की ओर जाती हुई दीवारों के बारे में बताया है, ठीक। द फेडिंग कलर ऑफ द वॉल्स मैचेस विद द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन हु रेड देयर, और दीवारों का मुरझाया हुआ रंग यानी जो एलेविश रंग है, ठीक है, उसकी तुलना और उसका मेल वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों से होता है, ठीक है। यानी वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके भी चेहरे पीले और जो है स्कूल की दीवार के रंग भी पीले, तो ये पतन की ओर उन्मुक्त, यानी जब जो है कोई चीज़ मुरझाता है, पीला पड़ जाता है, हल्का पीला होता है, तो इसका मतलब ये है कि वह जो है अपने पतन की ओर जा रहा है, यानी अब वो डिके हो रहा है, ठीक है। फिर आगे है तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद पिक्चर्स, शेक्सपियर बिल्डिंग्स विद डोम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज, हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो तीसरा प्रश्न है कि कक्षा के कमरों में जो दीवार थी, दीवारों पर कुछ सजाया गया था, किससे सजाया गया था? शेक्सपियर के चित्र से, बिल्डिंग्स विद डोम्स गुंबदा आकार वाली इमारतों से, वर्ल्ड मैप्स यानी संसार के चित्रों से या संसार के मानचित्र से, और ब्यूटीफुल वैलीज और सुंदर घाटियों से सजाया गया था। हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, ठीक है, इन बच्चों की दुनिया से जो है ये किस प्रकार भिन्न लग रहा था? तो यानी जो छोटे छोटे बच्चे थे ये सब नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, ना तो शेक्सपियर की कही हुई या शेक्सपियर से संबंधित बातें पढ़ पा रहे थे, ना बिल्डिंग्स विद डोम्स यानी गुंबदाकार वाली इमारतों को देख पा रहे थे, ना ही संसार की मानचित्र को देख पा रहे थे, और ना ही सुंदर सुंदर घाटियों को देख पा रहे थे, लेकिन ये सब मानचित्र दीवारों पर चिपकाए गए थे, सजाए गए थे, ठीक है। तो यही बताना है कि जो बच्चे इसमें पढ़ रहे थे उनका संसार इन सब चीज़ों से किस प्रकार भिन्न था, ठीक है, विरोधाभास कैसा था। तो द पिक्चर्स दैट डेकोरेट द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर ए स्टार्क कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन। कक्ष की दीवारों पर यानी कक्षा में जो दीवारें थी उनको सजाने के लिए जो चित्र लगे हुए थे, ठीक है, वे बच्चों के बस्तियों से यानी जो मलिन बस्तियां थी जिसमें बच्चे रहते थे उनकी दुनिया से पूरी तरह से अलग थे या विरोधाभास व्यक्त करने वाले थे। दे आर डिप्रीड ऑफ गुड एजुकेशन, क्यों? क्योंकि जो बच्चे थे वे अच्छी शिक्षा से वंचित थे। दे आर ऑल क्लैड एंड इल फेड, ठीक है, ऑल क्लैड तो वे एंड इल फेड मतलब कुपोषित होता है, और ऑल क्लैड मतलब फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, ठीक। तो दे आर ऑल क्लैड, वे फटे पुराने कपड़े पहनने वाले थे और जो है कुपोषित बच्चे थे। दिस इज़ इन कंट्रास्ट विद शेक्सपियर, ठीक है, यह शेक्सपियर से भी विरोधाभास व्यक्त करता है, ठीक, यानी यह शेक्सपियर से विरोधाभास व्यक्त करता है क्योंकि शेक्सपियर अच्छे खासे थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, और जो है कमज़ोर नहीं दिख रहे थे, ठीक, और उसके बाद कपड़े उनके अच्छे खासे थे जो चित्र चिपकाया गया था दीवार पर। तो इससे यही पता चलता है कि जो बच्चे थे शेक्सपियर के पहनावे और शेक्सपियर की एजुकेशन की तुलना में उनको कुछ नहीं मिला था। द डार्क नैरो हर्ट्स इन द स्लम आर इन कंट्रास्ट टू बिल्डिंग विथ डोम्स, ठीक है। तो जो गंदी बस्तियां थी यानी गंदी बस्तियों की अंधेरी छोटी कुटियां गुंबद वाली इमारतों से एकदम उलट थी यानी विपरीत भाव प्रदर्शित करती, ठीक है। तो जो उनका जो है छोटी छोटी कुटियां थी या छोटे छोटे जो झोपड़ी थे, स्लम एरिया थी, गंदी मलिन बस्ती थी,
वह छोटी थी और छोटे होने के साथ साथ सकरी भी हुआ करती थी, सकरी थी, जो उसमें गुंबदाकार युक्त चित्र चिपकाए गए थे। उसमें बड़े बड़े मकान थे और ऊंचे ऊंचे मकान थे, जबकि उनकी तुलना में यानी चित्रों की तुलना में जो बच्चों के घर थे वे बहुत छोटे थे, स्लम एरिया में थे। ठीक है, इस तरह से ये विरोधाभास दिखाई देता है यहाँ पे। दे आर कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ द स्लम एंड इट्स सराउंडिंग, वे इन्हीं मलिन बस्तियों से घिरी हुई हैं, यानी उनका जो घर है वो जो है मलिन बस्तियों में ही है। इट इज़ इन कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड मैप, ये संसार के मानचित्र से भी विपरीत भाव प्रकट करती हैं। देयर डर्टी ड्रेन एंड हीप्स ऑफ वेस्ट आर इन कंट्रास्ट विद ब्यूटीफुल वैलीज, उनकी गंदी जो है नालियाँ, ड्रेन मतलब नालियाँ, एंड हीप्स ऑफ वेस्ट और जो कूड़े करकट के ढेर होते हैं उसको ही हीप्स ऑफ वेस्ट कहते हैं, कूड़े करकट के ढेर, ये जो है सुंदर घाटियों से एकदम उलट थे या विपरीत थे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी वाल यानी स्कूल की दीवार पर जो भी चित्र चिपकाए गए थे, ठीक है, उनसे उनकी बस्तियां या उनकी दुनिया, बच्चों की दुनिया किस प्रकार से भिन्न थी, यह स्पष्ट होता है। फिर अगला प्रश्न है, चौथा और लास्ट है पार्ट वन का। ठीक है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, हाउ कैन देयर लिप्स बी मेड टू चेंज। कभी जो है मलिन बस्ती में रहने वाले या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहता है, हाउ कैन देयर लिप्स बी मेड टू चेंज, यानी उनकी जीवन शैली को या उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है, ये पूछा है। द पोएट वांट्स द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। ठीक है, कब चाहता है कि सरकार, निरीक्षक और जो आने वाले विजिटर होते हैं यानी आगंतुक, ये सब आए और मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, यानी मलिन बस्ती में जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनकी देख रेख करें और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी तरफ जो है अपने विचार को रखें या अपने विचार को उस तरफ मोड़ें। दे शुड ब्रेक द बैरियर्स दैट स्टैंड इन द वे ऑफ गिविंग दी स्लम चिल्ड्रन मीनिंगफुल एजुकेशन एंड लेड देम फ्रॉम देयर नैरो ब्लीक स्लम इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ लेटर्स। तो दे शुड ब्रेक द बैरियर्स, बच्चों को शिक्षित करने के लिए जितनी भी बाधाएं उनके सामने आए, बच्चों को यानी जो स्लम एरिया में बच्चे शिक्षित मतलब रह रहे थे उनकी शिक्षा में जो भी बाधाएं आए, ठीक है, उन बाधाओं को समाप्त कर दें और जो मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अर्थपूर्ण शिक्षा का प्रावधान करें। क्या करें? अर्थपूर्ण शिक्षा का प्रावधान करें और एंड लेट देम फ्रॉम दियर नैरो ब्लीक स्लम और उन्हें इन अंधेरी गंदी बस्तियों से निकाल कर इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ लेटर्स उन्हें जो है अद्भुत शिक्षा की दुनिया में ले जाएं। ठीक है, कवि ये चाहता है बच्चों के लिए। तो ये जो है एक पार्ट है, पार्ट वन छोटा सा वीडियो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप नोट्स जो है बना लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए, क्लास में कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।